नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल प्रॉपर्टी कनेक्ट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त राहुल त्रिपाठी। अरे हमारी डिस्टेंस ज्यादा है क्या? रुके रुके, मैं थोड़ा पास आ जाता हूं आपके। तो दोस्तों लीजिए, मैं आपके पास आ गया हूं और मैं अभी बहुत डिस्टेंस में था, मुझे लग रहा था कि आप मुझे नहीं देख पा रहे हैं। आज मैं आपके लिए एक बहुत बेहतरीन साइट लेकर आ गया हूं। आज जो हमारी साइट होने वाली है वो नेशनल हाईवे 27 पे है। नेशनल हाईवे, ये जो हाईवे है ये हाईवे कानपुर से दिल्ली के लिए जाता है, इटावा और झांसी को भी कनेक्ट करता है। उस मेन हाईवे पे है ये सोसाइटी। मैं भी आपको दिखाता हूँ कि देखिए ये रोड चल रही है, रोड से कनेक्टेड है ये सोसाइटी और यहाँ से आप जैसे ही हाईवे से टर्न करेंगे अपनी सोसाइटी, अपनी टाउनशिप में एंट्री कर लेंगे। इतना ही नहीं, एक इससे भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है इस सोसाइटी के लिए, इस टाउनशिप के लिए, वो ये है कि आगे आने वाली रिंग रोड, जैसा कि आपने पेपर्स में देखा होगा, मैंने बैकग्राउंड पे पेपर्स की कुछ इमेजेस शेयर की हुई हैं, जो आपका रिंग रोड है उसका काम भी स्टार्ट हो गया है, उसकी मार्किंग हो गई है और 2027 तक वो रिंग रोड कंप्लीट हो जाएगी। तो आगे आने वाले समय पे जो रिंग रोड बन रही है वो इस टाउनशिप के बीच से बन रही है। मतलब आप ये समझिए कि आप अगर यहाँ प्लॉट लेकर रहते हैं तो आने वाले समय में आपको शहर के किसी भी कोने पे जाना है तो आप रिंग रोड के थ्रू बहुत इजीली कहीं भी एक्सेस कर सकते हैं। अभी ये विकासशील कानपुर है, अगर आप आज की डेट में यहाँ पर इन्वेस्ट करते हैं या आज की डेट में यहाँ पर घर बनाते हैं तो आगे आने वाले विकसित कानपुर में आप उसके भागीदार होंगे। हमारे बैकग्राउंड पे आप देख रहे हैं कि मैंने रिंग रोड का मैप शेयर किया है कि ये रिंग रोड शहर में किस किस एरिया को कनेक्ट कर रही है। टाउनशिप के बिल्कुल मिड से रिंग रोड जा रही है और ऐसा नहीं है कि कोई, मैं ये जो चीज़ें आपको दिखा रहा हूँ ये कुछ फेक आपको लग रही हो, मैं दिखाता हूँ। देखिए ये लेफ्ट साइड पे आप मेरे देख रहे हैं, यहाँ पे ये जो आप येलो पोल और ये जो येलो मार्किंग देख रहे हैं ये मार्किंग हो गई है रिंग रोड की। ये टोटल इस टाउनशिप में 180 फीट जो जगह है वो मार्किंग की गई है रिंग रोड और उसकी सर्विस रोड के लिए। इसी तरीके से पूरी टाउनशिप में मार्किंग की गई है। तो आज की डेट में अगर आप इस टाउनशिप में इन्वेस्ट करते हैं या इस टाउनशिप में अगर आप अपना प्लॉट लेते हैं तो ये प्लॉट बहुत बेनिफिशियल हो सकता है। इस समय हम जिस टाउनशिप में हैं ये पीताम्बरा ग्रुप की टाउनशिप है, ये पहले भी अपने 2 से 3 अच्छे प्रोजेक्ट्स बना के डिलीवर कर चुके हैं। इसके पहले मैंने RS ग्रीन का भी वीडियो शेयर किया था, उसमें भी बहुत अच्छा डेवलपमेंट किया, प्रॉपर गेटेड टाउनशिप बनाई है। उसी तरीके से ये इसको भी डेवलप कर रहे हैं, एक वेल नोन डेवलपर हैं ये, तो आप बहुत आराम से यहाँ पर इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो देखिए अगर हम लोकेशन की बात करें तो मैंने आपको पहले ही बताया कि नेशनल हाईवे पे बनी हुई है। जब आप कानपुर से आगरा की तरफ आगे बढ़ते हैं नेशनल हाईवे पे तो सचेंडी में शोरूम पड़ता है, महिंद्रा का शोरूम, उसके आगे लेफ्ट साइड पे ये रोड सोसाइटी बनी हुई है, टाउनशिप बनी है। लेफ्ट साइड पे आप जैसे ही एंटर करते हैं आप अपनी टाउनशिप में आ जाएंगे। जो मेन रोड है वो 60 फीट की है, इसके बाद जो ब्लॉक्स के लिए कनेक्टिंग रोड है वो 40 फीट की रोड है। 40 फीट के बाद जो अंदर ब्लॉक्स में आप जब 50 गज और 100 गज के प्लॉट्स के ब्लॉक्स में जाएंगे तो वहाँ पर आपको 30 फीट की रोड मिलेगी, 25 फीट की रोड मिलेगी। जैसे इस समय हम ये 40 फीट की रोड पे खड़े हुए हैं तो आप ये देखिए कि थोड़ा सा बारिश के कारण यहाँ पर काम रुक गया है, अदरवाइज़ यहाँ काम बहुत तेज़ी से हो रहा था। ये 40 फीट की रोड है जो ब्लॉक्स को कनेक्ट करती है, पीछे पूरी टाउनशिप है। अगर हम टाउनशिप की बात करें तो ये टाउनशिप अप्रॉक्स 100 बीघा में है, एक्सटेंड होने के चांसेस भी हैं कि आगे इन फ्यूचर हो सकता है कि टाउनशिप और बढ़ जाए। अभी फ़िलहाल 100 बीघा में है, गेटेड टाउनशिप है। आप देख रहे हैं ये बाउंड्री वॉल, पीछे आपको पूरी बाउंड्री वॉल दिख रही है। और अगर हम बात करें आसपास की तो आसपास यहाँ से अगर हम PSIT स्कूल की बात करते हैं तो वो 4 किलोमीटर की डिस्टेंस में है। चकेरी सब्जी मंडी जो है वो सब्जी मंडी यहाँ से 2 किलोमीटर की डिस्टेंस पे है। और इसके अलावा ये लेफ्ट साइड पे आप जो देख रहे हैं ये पीछे बिल्डिंग बनी है मेन हाईवे पे, नेशनल हाईवे पे, यहाँ पर RTO बना हुआ है, RTO ऑफिस भी यहाँ पर आ गया है। तो इस तरीके से अगर आप कनेक्टिविटी देखते हैं अपनी इस टाउनशिप की, तो कनेक्टिविटी और फ्यूचर एस्पेक्ट अगर आप देखते हैं कि भविष्य क्या है इस टाउनशिप का, तो इसका भविष्य बहुत अच्छा है। अगर आप यहाँ इन्वेस्ट करते हैं तो आपको रिस्पांस बहुत अच्छा मिलेगा। यहाँ पर जो ब्लॉक्स जो कटिंग की गई है, अगर आप प्लॉट लेना चाहते हैं तो यहाँ मिनिमम 50 गज का प्लॉट है, आप 50 गज का प्लॉट ले सकते हैं, 100 गज ले सकते हैं, 200 गज ले सकते हैं, फिर जैसा आप चाहें जितना एक्सटेंड करना चाहें उतना बड़ा प्लॉट ले सकते हैं। और अगर आप 100 गज का प्लॉट लेना चाहते हैं तो 16 लाख रुपए में आपको 100 गज का प्लॉट मिल जाएगा। अगर हम यार्ड्स में बात करें, गज में बात करें, तो इस सोसाइटी का जो रेट है वो 16,000 रुपये गज के हिसाब से रेट है। अगर आप प्लॉट लेना चाहते हैं तो 16,000 रुपये गज में प्लॉट ले सकते हैं। अगर हम अप्रूवल्स की बात करें कि सोसाइटी कहाँ से अप्रूव्ड है, इसकी क्या बेसिक्स हैं, तो अप्रूवल में ये सोसाइटी जिला पंचायत से अप्रूव्ड है।
दाखिल खारिज है, आप बहुत आराम से यहाँ पर अपना प्लॉट लेकर अपने लिए घर बना सकते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, हमारे साथ इस समय मनोज सोनी जी हैं, फाउंडर मेंबर हैं माँ पीताम्बरा ग्रुप में। तो अभी तक मैंने आपको पूरी सोसाइटी का, पूरी टाउनशिप का व्यू करा दिया है, अब जो भी प्रॉपर्टी की डिटेल्स हैं जो रह गई हैं वो सर आपको बताएंगे। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर, इसके पहले भी आप एक बार हमारे चैनल पर आ चुके हैं। सर सबसे पहले अगर हम बात करें टाउनशिप की, तो क्या नाम है टाउनशिप का और क्या लोकेशन है इसकी? धन्यवाद राहुल जी, सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद, कैमरामैन सर का भी बहुत बहुत धन्यवाद। ये हमारी सेकेंड साइड है रॉयल सिटी, और ये सेम उसी प्रोसेस पे है जो प्रोसेस हमने वहाँ पर ग्रीन सिटी में डेवलप किया। जैसे कि वहाँ आपने देखा भी होगा कि रोडें कंप्लीट हैं, नालियाँ कंप्लीट हैं, बिजली की व्यवस्था ले लीजिए, सिक्योरिटी गार्ड ले लीजिए, बाउंड्री वॉल ले लीजिए, पार्क की फैसिलिटीज़ ले लीजिए, इसके अलावा जो KDA फैसिलिटीज़ देती है लगभग सारी चीज़ें हम वहाँ पर आपको दे रहे हैं। लेकिन यहाँ पर आपको एक चीज़ और मिलेगी कि आपके इस प्रोजेक्ट के बीच से रिंग रोड जा रहा है। ये रिंग रोड सर 93 किलोमीटर का है। अच्छा। जो पूरे कानपुर को सराउंडिंग में मिलाता है। आज की डेट में जो सबसे बड़ी दिक्कत हो रही है, जो रास्ते का जो हमारा ट्रैफिक है प्रॉब्लम्स आ रही हैं, सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी। आपको कहीं भी जाना, सीधे हाईवे चढ़िए, सीधे हाईवे पहुंच जाइए। ये 5 जगह से खुलता है सर, ओपन होता है। यहाँ से जैसे ही आप चंडी से हमारा हाईवे चढ़ेंगे आप रिंग रोड, सीधे रमईपुर से सीधे आप इलाहाबाद वाले रूट पे रूमा पे, फिर वहाँ से सर लखनऊ वाले रूट पे, और लखनऊ से फिर सीधे आप आकर मंदना में आकर कल्याणपुर वाले रूट पे मिल जाएंगे, और मंदना से सीधे सचेंडी में। यानी इस तरह की हमारी साइड है जहाँ के बीचों बीच से निकल जाने से रिंग रोड हमारे प्रोजेक्ट की वैल्यू बढ़ गई। दूसरी चीज़ क्या है कि हमने छोटे से छोटे प्लाटों पर भी यहाँ रोडों का विशेष ध्यान रखा है। 25 फीट से कोई भी कम सर रोड नहीं है, कम से कम 25 फीट का रोड 100-50 गज के प्लाट पे, जिसका साइज 15 चौड़ाई और 30 गहराई है। इसी तरह 100 गज के भी प्लाट हैं, उसमें भी हमने 25 फीट, 30 फीट और 40 फीट और 60 फीट, 80 फीट तक के रोड उसमें रखे हैं सर। अच्छा सर, जो 100 गज का प्लॉट है उसका डायमेंशन क्या है? 100 गज का जो सर प्लाट है उसका 20x45 है। अच्छा, 20 फ्रंट है, 45 गहराई है। सर अगर हम प्राइस की बात करें तो क्या रेट रखा हुआ है आपने इसका? प्राइस सर हमारे यहाँ अभी तक जो भी हमने प्राइस रखे हैं, इस तरह से रखे हैं कि हमारे कस्टमर को महंगे ना लगे, क्योंकि जिस तरह का हम डेवलप करके आपको दे रहे हैं, अदर साइडों में आपको 20 से 25 लाख 30 लाख तक का रेंज होगा, हमारे यहाँ आपको 15 लाख और 16 लाख दो रेट यहाँ पर हैं जो आपको मिल जाएंगे। दूसरी चीज़, किस्त में भी प्लॉट की सुविधा है आपको, हमारे यहाँ 4 साल की फाइनेंस की सुविधा है, 48 मंथ की। आप 30% जमा कर देंगे, शेष 48 महीने में कंपनी की तरफ से ही फाइनेंस हो जाएगा। दूसरा, यदि आप कोई हमारा कस्टमर चाहता है कि हम बैंक से फाइनेंस करें, तो ये भी बहुत अच्छी सुविधा है हमारे यहाँ, तुरंत हमारे यहाँ बैंक से लोन भी हो जाता है, और इसके अंतर्गत आप तुरंत अपने प्लॉट की रजिस्ट्री करा कर रह भी सकते हैं, तुरंत रजिस्ट्री और तुरंत कब्जा है। आपने कभी भी गौर किया होगा, जिस जगह से भी हाईवे निकलता है और हाईवे के बीच से अगर हाईवे निकल रहा है, तो वहाँ का डेवलपमेंट और वहाँ की जमीन की कॉस्ट ऑटोमेटिक बढ़ती है। जब भी हमारे ऐसे कहीं दो जगह से रिंग रोड निकलते हैं, तो कॉमर्शियल एक्टिविटीज बढ़ जाती हैं। सर एक चीज और रह गई है जो हमारे दर्शक अक्सर हमसे पूछते हैं, वो ये है कि अगर हम बात करें साइट कहाँ से अप्रूव्ड है, तो थोड़ा सा उसके बारे में अगर आप जानकारी दे दें। बहुत बहुत धन्यवाद, सही कह रहे हैं आप। आपको मैं बता दूँ कि हमारी पूरी साइट जो लगभग 74 बीघे की है, ये 74 बीघे की रजिस्ट्री कम्प्लीट है हमारी, और दूसरी चीज रजिस्ट्री के साथ साथ 143 जिसे आवासीय कन्वर्जन बोलते हैं, ये भी हमारा कंप्लीट है। और इसके साथ साथ जो अप्रूवल की बात होती है, नक्शा पास होना, जिला पंचायत से हमारा नक्शा अप्रूव है, और जिला पंचायत से नक्शा अप्रूव होने के की वजह से ही और 143 की वजह से ही हमारे यहाँ तुरंत लोन भी होता है। अच्छा सर, ऐसा तो कुछ नहीं है कि कई बार क्या होता है कि जो किसान की जमीन है, किसान की जमीन से ही उसकी रजिस्ट्री कराते हैं, ऐसा तो कुछ नहीं, डायरेक्टली कंपनी ही रजिस्ट्री करेगी ना? बिल्कुल सही, आपकी बात सही है। ये उस कंडीशन में सर होता है जब हम एग्रीमेंट पे जमीन लेते हैं। आज की डेट में ज्यादातर लोग एग्रीमेंट पे ही जमीन बेच रहे हैं, उसकी वजह से ये सब प्रॉब्लम्स आती है। लेकिन हमारे यहाँ एग्रीमेंट की कोई ऐसा कुछ किस तरह का कोई सिस्टम ही हमने नहीं रखा है। सीधे किसान से रजिस्ट्री कराना कंपनी के नाम, कंपनी के नाम दाखिल खारिज, कंपनी के नाम 143, और जिला पंचायत से नक्शा भी अप्रूव्ड, ये सारी चीज़ें हम कंप्लीट करने के बाद ही प्लॉट को सेल करते हैं। तो दोस्तों, आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया हो। अगर आपका कोई जान परिचित प्रॉपर्टी लेने का इच्छुक है, तो आज ही आप वीडियो में दिए हुए नंबरों पर कॉल करिए, हमारे चैनल को लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर।